दोस्तों, जब भी हम चीन का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नाम आता है, जो कि दुनिया के सात अजूबों में से एक है। और फिर अगर बात हो चीनी अभिनेता जैकी चैन की, तो उनके दमदार एक्शन और अभिनय की तो दुनिया दीवानी है। सोचिए, अगर खाना पकाना ओलंपिक का एक खेल होता तो उसमें चाइना प्रथम स्थान पर होता, क्योंकि चाइनीज लोग अपने आसपास मौजूद हर लिविंग क्रिएचर्स को खा जाते हैं, फिर चाहे वो उड़ने वाले जीव हो या फिर रेंगने वाले, हर किसी को इनका भोजन बनना होता है। तो चलिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं चाइना में खाए जाने वाले ऐसे ही कुछ अजीब और बेहद ही खतरनाक भोजनों के बारे में। एक, बालुट। बालुट चीन में खाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड है, जिसे 17वीं सदी के आसपास फिलीपींस द्वारा अपना लिया गया था और अब ये फिलीपींस का नेशनल फूड आइटम है। बालुट एक फर्टिलाइज्ड डेवलपिंग एम्ब्रियो है, जिसे उसके खोल के साथ उबाला जाता है और खोल के साथ ही खाया जाता है। ये बतख का अंडा होता है, जो कि लगभग 14 से 21 दिन में खाने योग्य हो जाता है। पर दोस्तों, क्या आपको पता है, कई बार इस अंडे में हड्डी और पंख भी निकल आते हैं और चीनी लोग इन्हें भी खा जाते हैं। और कई स्थानीय लोगों के अनुसार इन हड्डी और पंखों को खाने से इंसान हस्त पुष्ट रहता है। दो, सिल्क वर्म्स। आप सबने सिल्क वर्म के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि हमें सिल्क प्रदान करते हैं। पर अगर मैं आपसे कहूं कि एक देश ऐसा भी है जो सिल्क वर्म को खाता है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? वेल, हमारा पड़ोसी देश यानी कि चीन, जहां कीड़े मकोड़ों को बहुत प्यार से पकाकर खाया जाता है, इन सिल्क वर्म्स में से उनका सिल्क निकाल लेने के बाद इन्हें चीन में बहुत ही विनम्रता से खाया जाता है। और चीनी लोग इन सिल्क वर्म का इस्तेमाल अपने पसंदीदा भोजन के रूप में करते हैं, जिन्हें तमाम तरह के फ्लेवर्स में खाया जाता है। तीन, शीप पेनिस। दोस्तों, दुनिया भर में खाने पीने के बहुत से अजीब व्यंजन उपलब्ध हैं, पर चीन में मिलने वाला यह व्यंजन कुछ ज्यादा ही अजीब है और इसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। शीप पेनिस चीन के बाजार में मिलने वाला एक ऐसा फूड आइटम है, जो कि भेड़ के लिंग को काट कर तैयार किया जाता है, और चीनी बाजार में इसको बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है। इसको तरह तरह के मसालों और फ्लेवर्स के साथ तैयार किया जाता है। स्थानीय लोगों की माने तो इसे खाने से शरीर की ताकत बढ़ती है और शरीर का टेस्टोस्टेरोन लेवल भी हाई होता है। इसे लोग ताकत की दवाएं खाने के बजाय इन्हें खाना पसंद करते हैं। चार, बर्ड्स नेस्ट सूप। ये व्यंजन, जिसे पूर्व का केवियार भी कहा जाता है, एशिया के सबसे शानदार और महंगे व्यंजनों में से एक है, जो कि अक्सर चीन में मिलता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यह व्यंजन स्विफ्ट पक्षी की लार से बनाया जाता है, जो कि उसके घोंसले में पाई जाती है। ये पक्षी और उनके घोंसले बहुत ही दुर्लभ होते हैं, जिसके कारण इससे निर्मित सूप के एक कटोरे की कीमत लगभग 100 अमेरिकी डॉलर होती है, जो कि खाने के व्यंजन के हिसाब से बहुत ही ज्यादा कीमत है। और चीनी लोग मानते हैं कि इसे खाने से इंसान की शारीरिक क्षमता बढ़ती है। पांच, स्कॉर्पियंस। चीनी लोग जब भी सड़कों पर निकलते हैं, तब भूख लगने के कारण उनका सबसे पसंदीदा भोजन होता है बिच्छू, जो कि चाइना की सड़कों पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में बिकता है, और लोग इसके दीवाने होते हैं। ये बिच्छू अक्सर चाइना की सड़कों और जंगलों में बड़ी ही आसानी से मिल जाते हैं, और वहां इन्हें तरह तरह के मसालों के साथ तैयार किया जाता है। ये व्यंजन पर्यटकों द्वारा भी बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है, और कुछ लोगों की माने तो एक तरह की औषधि की तरह काम करता है, जिससे शरीर के बहुत से रोग खत्म होते हैं और खून को गर्म भी रखता है। छह, स्टिंकी टोफू। दोस्तों, आप जब भी चीन जाएंगे तो वहां मिलने वाला ये बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन खाए बिना खुद को रोक नहीं पाएंगे। जी हाँ, स्टिंकी टोफू चीन में खाया जाने वाला सबसे पसंदीदा व्यंजनों में से एक है, जिसे खाए बिना कोई भी खुद को नहीं रोक पाएगा। वेल, ये व्यंजन दूध और मीट और फिश के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है, जिसे वेजिटेबल ऑयल में फ्राई किया जाता है, और इसी के साथ इसे बहुत ही अन्य तरीकों के साथ भी तैयार किया जाता है। और दोस्तों, इसे खोजने के लिए आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी नाक इसे खुद ब खुद खोज लेगी। सात, चिकन टेस्टिकल्स। दुनिया भर में चिकन खाने वालों की तादाद बहुत ही ज्यादा है, और लोग चिकन को बहुत पसंद भी करते हैं, और इसी वजह से KFC जैसी बड़ी बड़ी फूड कंपनी भी चिकन से बने हुए व्यंजनों को दुनिया भर में सप्लाई करती है। पर क्या आप सब जानते हैं, चाइना में चिकन के टेस्टिकल्स को भी खाया जाता है, और वहाँ के लोग इन्हें बहुत पसंद भी करते हैं, क्योंकि महिलाओं की स्किन को गोरा बनाता है। इसे सब्जी और नूडल्स के साथ फ्राई करके लोगों को परोसा जाता है। आठ, सी हॉर्स। सी हॉर्स समुद्र में पाया जाने वाला बहुत ही सुंदर और छोटा जीव है, पर चाइना में यह जीव आपके नाश्ते के रूप में वहाँ की सड़कों पर अक्सर मिल जाएगा। सी हॉर्स बहुत ही ज्यादा सॉल्टी होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें अक्सर सूप और कबाब के साथ भी बनाया जाता है। पर क्या आप जानते हैं, ये सी हॉर्स जहरीले भी होते हैं, और इनमें नुकीले कांटे भी पाए जाते हैं, जो कि आपके दांतों और गले में भी फंस सकते हैं। जहरीले होने के बावजूद भी ये चीनी लोगों द्वारा बहुत ही पसंद किए जाते हैं, क्योंकि वहां के लोगों का मानना है कि इसे खाने से इंसान जवान बना रहता है। तो दोस्तों, ये थे चीन में खाए जाने वाले कुछ अजीब फूड आइटम्स। आपको इनमें से कौन सा व्यंजन